नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा 2023 के विधानसभा चुनाव की अब गणना ही बाकी है। चुनाव हो चुके हैं, मत पेटियों में मतदान हो चुका है, ईवीएम मशीनों के स्विच ऑन होने वाले हैं। रविवार सुबह जैसलमेर और पोखरण विधानसभा की दो विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की जाएगी। उससे पहले हमारे बीच में कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री और पार्षद पवन सुधा और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सवाई सिंह गोगली, हम इनसे चर्चा करेंगे कि उनके कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट रूपाराम जी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट छोटू सिंह जी किस तरह से चुनाव लड़े हैं, उनको क्या संभावना लगती है और क्या मतगणना के बाद में क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर सबसे पहले हम पवन जी सुधा से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है, हालांकि जैसलमेर में पिछले चुनाव से करीब 0.4% कम पोलिंग हुई है, मगर 77 पॉइंट समथिंग हुई है, वो कम नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को? नमस्कार विमल जी, नमस्कार जैसलमेर के विधानसभा जैसलमेर और पोखरण के मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने अपना वोट देकर कांग्रेस पार्टी को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि वो अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। और जैसा विमल जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव किस तरीके से लड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जिस दिन 2018 में चुनाव जीता था उसी दिन से 2023 की तैयारी करते हुए अपने चुनाव को दोबारा से जीतने के लक्ष्य से ही चुनाव लड़ा है। उन्होंने जनता के हर काम को अपना काम समझकर ही किया है। देखिए, आपका जो परंपरागत वोट है, इस बार मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, इस संबंध में आप क्या क्या कहना? ये एक अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अफवाह में भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता आगे रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे और झूठ बोलने में ये माहिर है, और इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को झूठ बोलना और अफवाह फैलाना हमारा लक्ष्य है नहीं। हमारा लक्ष्य है विकास करना, अच्छे कार्य करना, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के विकास कार्य की तरफ, जनता के हित के कार्य करना है। और मैं आपको कहता हूं कि हमारा जो मूल वोटर है, मुस्लिम, SC ST और गरीब तबका, ये हमारे साथ है, और कल के रिजल्ट में ये साफ जाहिर होगा कि हमसे कोई बाहर नहीं गया है। हमसे जुड़े जरूर है मगर हमसे बाहर कोई नहीं गया है। सवाई जी, ये कह रहे हैं कि हमारे को परंपरागत जो हमारे वोट है मुसलमानों के नहीं, जबकि डेजर्ट स्टॉर्म के पास ये सूचना है कि भारी संख्या में वोट ड्राइवर्ड होकर छोटू सिंह जो मिले हैं, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है कि छोटू सिंह जी को मुसलमानों के कितने वोट मिले? जी विमल जी, नमस्कार आपको। और सबसे पहले तो मैं जैसलमेर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान जैसलमेर का हुआ, इसके लिए मैं जैसलमेर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। रही बात परंपरागत कांग्रेस के वोटों की, ये तो जब कल पेटियाँ खुलेगी तभी इनकी आंखें खुलेगी, इनको अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये कहते हैं कि भाजपा हमेशा झूठ बोलती है, जो पार्टी झूठ बोलती है वो सत्ता में कभी रिपीट नहीं होती है। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और 5 साल से जिस तरीके से धरातल पर मोदी सरकार ने काम किए, ये तो 2019 में यही कहते थे आप तो कहीं हो ही नहीं, इनकी खुद की सरकार थी। और राजस्थान में हमेशा ट्रेंड रहा है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसके 17-18-20 MP आते हैं, इनके हाथ से 25 के 25 निकल गए। मुख्यमंत्री जी का खुद का बेटा हार गया, वो भी इनको मालूम नहीं चला, तो जैसलमेर तो ये मान ही नहीं सकते। ये कल 11-12 बजे तक गारंटी से मान जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर की दोनों सीटें प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मैं आपको जैसलमेर और पोखरण विधानसभा में पिछले लंबे समय से राजनीतिक रूप से कहें, राजनीतिक सियासत में जिस तरह की रूपाराम और फकीर परिवार के साथ दुश्मनी, आपसी सियासी दुश्मनी है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है? राजस्थान में सियासी दुश्मनी रूपाराम जी के फकीर के है, ऊपर गहलोत जी और सचिन पायलट के है,
ये इनके हर जिले में यही स्थिति है, ये जहाँ भी है ये विधायक आपस में लड़ रही है। और ये 5 साल में इन्होंने किया क्या है, ये आपस में लड़े ही है। योजनाएं इन्होंने घोषणा कर दी कि आपके नई स्कूल स्वीकृत हो गई या कर्मोन्नत हो गई, वहाँ टीचर है नहीं, योजना एक भी हकीकत में धरातल पर विमल जी है नहीं। तो जनता इनके खिलाफ, इनको चोट पहुँचा चुकी है, वो पेटीएम है, वो कल खुलेगी सुबह 8 बजे। इनकी जो गारंटी योजना थी अशोक गहलोत की, उन्होंने 1, 2, 3, 4 करके 7 गारंटी योजनाएं दी, उस गारंटी योजनाओं का कितना लाभ मिलता लग रहा है कांग्रेस को? योजना का ये लाभ है कि पिछले 4 दिन पहले एग्जैक्ट पोल में राजस्थान में रिपीट हो रही है, रिवाज बदल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे मित्र सॉई जी कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने काम किए होते हैं। इन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया। और एग्जैक्ट पोल सारे आज की तारीख में कांग्रेस के पक्ष में है। हमारी योजनाओं को देखकर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता का दुख अपने आप का दुख मानते हुए कार्य किया है, इसके लिए एग्जैक्ट पोल और सारे जनता ने साथ दिया। और आगे सरकार कल हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो साफ तौर से बता रहा है कि 5 जिस तरह के सर्वे हुए हैं, 7 हुए हैं टोटल, उसमें 5 में भारतीय जनता पार्टी बता रही है जीत, और कांग्रेस की कहीं भी जीत नहीं दिखा रही। और दूसरी बात करें हम सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार में भी भारतीय जनता पार्टी को ही 115 सीटें दे रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कहाँ स्थिति बनती है? इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सट्टा बाजार की जो आप बात करते हो, सट्टा बाजार एक पैसे कमाने का जरिया है। हाल ही में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर भी इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसके अंदर सुबह तक सट्टा बाजार ने इंडिया को ही जिताया था। तो ये कोई वो नहीं है, आंकड़े नहीं है, ये सट्टा बाजार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और रही बात धरातल पर, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि धरातल पे मैंने खुद ने देखा इस बार वोटरों को कि उनका मानस सरकार को रिपीट करने में था। और ये कल आपको रिजल्ट्स के अंदर विमल जी एकदम आप इस चीज़ को मानोगे कि वास्तव में काम हुआ है लोगों का। लोगों के दर्द थे जो पिछले 20-25 सालों से दर्द थे, क्योंकि छोटू सिंह जी ने भी 10 साल काम किया है और 5 साल रूपाराम जी ने भी काम किया है। तो लोगों ने दोनों के कामों की तुलना की है और तुलना करके वोट दिया है। मैं ये नहीं कहता कि वोट भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, ये नहीं, वोट मिला है तो इस बार छोटू सिंह जी के कामों को देख के और रूपाराम जी के कामों को देख के मिला है। उसी प्रकार पोखरण में साले मोहम्मद जी के कामों को देख के वोट मिला है, क्योंकि उससे पहले भी जो MLA रहे उन्होंने क्या काम किया और अभी हाल में उन दोनों MLA जो कांग्रेस के थे उन्होंने क्या काम किया। सवाई जी, जिस तरह से छोटू सिंह की टिकट मिलने में देर हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत दावेदार थे, ऐसी स्थिति में आपने किस तरह से चुनाव लड़ा? आपको समय भी कम मिला चुनाव लड़ने का। निश्चित तौर पे जैसलमेर जिला बहुत बड़ा भूभाग का है, यहाँ लगभग जैसलमेर विधानसभा मुझे जहाँ तक जानकारी 22,000 वर्ग किलोमीटर की है। समय कम मिला, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़े। सभी जो हमारे जो दावेदारी कर रहे थे विधायक के लिए, सब छोटू सिंह जी के बराबर साथ लगे और सब ने उनका सहयोग किया। और जैसलमेर की जनता ने जो पिछले 5 साल से सरकार के कारणों में से त्रस्त थी और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहती थी, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। आपने चुनाव प्रचार का दौर नज़दीक से देखा है, आपने जैसलमेर, उसके अलावा महामंत्री रहते हुए भी आपने नज़दीक रहे हैं, तो पोखरण की स्थिति बारे में बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से पोखरण में पिछली बार 872 वोट से प्रतापरी महाराज हारे थे, तो उस सिंप्रति का कितना लाभ मिलने वाला है प्रतापरी महाराज को? पोखरण के मतदाता जब प्रतापपुरी जी पिछले चुनाव में 850 वोटों से हारे थे, उनके प्रति जनता में ज़बरदस्त सिंप्रति थी। और बार बार जब भी गए पोखरण क्षेत्र में तो लोग यही कहते थे कि अब की बार किसी भी हालत में प्रतापपुरी महाराज को एक बार जीता के भेजेंगे। और अभी जो चुनाव प्रचार में एक दो जगह मैं गया था और जब पोलिंग पड़ी, वहाँ जो जनता में उत्साह था, पूरी जनता चाहे 36 कौम की जनता, वो
इस तरीके से मैंने बहुत कम चुनाव में ऐसा जनता का उत्साह देखा है, तो जनता के उत्साह को देख के मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। पोखरण में भी पहली बार अल्पसंख्यकों के वोट प्रतापपुरी महाराज को मिल रहे हैं, उस संबंध में आपका क्या कहना है? अल्पसंख्यकों के वोट पोखरण में और जैसलमेर में, ये दोनों विधानसभा में 36 कौम के वोट अधिकतम भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं, और वो जो भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी की योजना है और उनके जो काम है, आज मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी एक भी योजना ऐसी नहीं है जो जात को, पात को, धर्म को, मजहब को देखकर बनाई गई हो। आज अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में अल्पसंख्यक सभा को मिला है। उनकी जो भी योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, तो सभी वर्गों को उनका लाभ मिला है और वो लोग जुड़े भारतीय जनता पार्टी। आपको इनकी लगता नहीं कि दोनों विधानसभा सीट में इनकी फूट का कोई फायदा मिला हो? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से, मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर ही भारतीय जनता पार्टी की वोट ले रही, बाकी फूट तो उनको। आम जनता तो ये मान रही है कि कांग्रेस में पूरी तरह से फूट है, रूपाराम वर्षे फकीर परिवार है, मगर आप मानने को तैयार नहीं होंगे इनमें किसी प्रकार का वो है। विमल जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, ठीक है, और हम लोग बैठे हैं तो हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकलने चाहिए वो वर्ड निकलना चाहिए जो वाक्य में सच हो। मैं आपको कहूँ, चुनाव में पिछले 25 साल से चुनाव लड़ भी रहा हूँ और लड़ा भी रहा हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से इस चुनाव को देखा है। इस चुनाव के अंदर जो बात बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस की फूट, मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर राजस्थान लेवल पे कम से कम 10 से 15 तो सीएम के दावेदार, उसके बाद में जैसलमेर विधानसभा में कम से कम 20 से 25 एमएलए के दावेदार, जब टिकट किसी की कटती है तो वो कभी भी उस पार्टी के साथ में कम रहता है और विपक्ष के साथ में ज़्यादा रहता है। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इस बार हमारा साथ किस तरीके से लोगों ने दिया है, और ख़ास करके बीजेपी के लोगों ने खुल के साथ दिया है। कल पेटियाँ खुलेगी तब उस क्षेत्र के, जो जो क्षेत्र में वो अपने आप को नेता मानते हैं, जिस क्षेत्र के नेता मानते हैं, सबके सामने चीज़ें आ जाएगी। और ये डेफिनेट कह रहा हूँ मैं आपको कि जैसलमेर और पोखरण दोनों ही सीटें कांग्रेस जीतेगी। मैं दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी, आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीती। अब इन्होंने तो कहा दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी 20,000 से अधिक मतों से जीत रही है, अब आपका क्या आंकलन है कि कांग्रेस कितने मतों से जीत रही है? हालांकि कल सुबह 8-10 बजे तक तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है, स्थिति सामने आ जाएगी, मगर आप एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या मानते हैं कितने वोट से? मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही जगह कांग्रेस जीत रही है और अच्छे मतों से जीत रही है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं सालेह मोहम्मद जी के नामांकन रैली में गया था, तो मैंने पूछा, कोई मेरे मिलने वाले थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ कैसा है इस बार माहौल, तो उनके साथ में एक और कोई आदमी खड़ा था, उसने मुझे कहा कि ये गए चुनाव में ये बीजेपी के साथ था, इस बार ये कांग्रेस के साथ है। मैंने उनसे पूछा ऐसा है क्यों, तो कि भाई समझ में आ गई ये चीज़ कि कहाँ पर ठीक है और कहाँ पर हम ठीक नहीं है, कई बार हम गुमराह हो चुके थे। तो विमल जी, हमने बहुत नज़दीक से ये चीज़ें देखी है। देखिए, आप एक कार्यकर्ता के रूप में, मैंने एज ए पत्रकार के रूप में भी देखा है। मैं आपको उदाहरण दूँ, 2013 के चुनाव की जिस समय अशोक गहलोत ने पोखरण में सभा की थी, 1 से 1.5 लाख लोग, 1 लाख के लगभग लोग उस सभा में आए थे और सालेह मोहम्मद जी 35,000 वोट से आ रहे थे। तो इसलिए कोई भीड़ किसी मत का आकलन नहीं होता है, मतदाता तो अपना विवेक से अंदर जाके वोट देता है, भीड़ कभी भी किसी का ये नहीं हो सकता आकलन मतदाताओं का। आप हमारे बीच में आए, आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।